हे हेलो केस फैमिली, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको चार प्रिंसिपल बताए थे कम्युनिकेशन स्किल के। सो फ्रेंड, आज मैं उसके सेकंड पार्ट मतलब कम्युनिकेशन स्किल का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको छह प्रिंसिपल बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल के, जो मैंने डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से सीखी है। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। बेन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, आप डिबेट में कई बार जीत सकते हैं, बट इसमें आपकी जीत खोखली होगी। 10 में से 9 बार बहस का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड के ही लोग अपने आप को बेटर समझते हैं, अपने आप को सही समझते हैं। आप कभी भी बहस नहीं जीत सकते, क्योंकि जब आप हारते हैं तब तो आप हारते ही हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तब भी आपकी हार ही होती है, क्योंकि आप किसी को गलत साबित करके उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपको कभी पसंद नहीं करते। और कभी कभी ऐसी बातें तो जिंदगी भर याद रह जाती है। और बुद्ध ने भी कहा था कि आप नफरत को सिर्फ प्यार से खत्म कर सकते हैं, और किसी के मिसअंडरस्टैंडिंग को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से खत्म किया जा सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, डू नॉट आर्ग्यू, बहस कभी ना करें, इससे कभी भी कोई फायदा नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने बातों को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसकी बजाय उन्हें सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस और आपके प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन करें और उन्हें बोलने का मौका दें, क्योंकि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तभी आप उन्हें समझ पाएंगे। मैंने कहीं पे एक बुक पे पढ़ा था कि अगर आप अपने दुश्मन बनाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड से आगे निकल जाइए, और अगर आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें ऐसा फील कराएं जैसे वो आपसे आगे हैं। ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि जब लोग हमसे आगे निकल जाते हैं तो हमें उनसे जलन होती है, उन पे गुस्सा आता है, लेकिन जब हम दूसरों से आगे निकल जाते हैं तो हमें अपने आप पे प्राउड फील होता है, और इस बात का आप फायदा उठा सकते हैं। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, दूसरे के नॉलेज का, दूसरे के विजडम का, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। गिव अदर ए चांस टू स्पीक मोर। हम पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के थॉट से ज्यादा हमें अपने थॉट्स पर ज्यादा यकीन होता है, बट इसमें कोई भी स्मार्टनेस नहीं कि हम अपने थॉट्स को किसी दूसरे पे थोपे, उन्हें फोर्स करें कि वो उस काम को करे या उस थॉट को अपना ले। इससे बेटर ये होगा कि आप सिर्फ सजेस्ट करें और सामने वाले इंसान को फैसला करने दें कि वो क्या चाहते हैं। कोई भी पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे कुछ समझाया जाए। हर इंसान को अपनी इच्छा और अपने चॉइस के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। आप किसी को कोई बात इस तरह बताइए कि उसे लगे कि ये थॉट्स उसी के हैं और वो उस बात को एक्सेप्ट कर ले। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, सामने वाले इंसान को ये लगना चाहिए कि ये थॉट्स उसी के हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान गलत हो सकता है, बट अपनी नज़र में वो कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। आप अपने आप को उनकी नज़र में रख के देखिए कि अगर उस सिचुएशन में आप होते तो उनकी जगह आप क्या करते। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है, हमको अपने आप पे तो बहुत इंटरेस्ट है, बट क्या आपको दूसरों पे इंटरेस्ट है? अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टेड बनना चाहिए। आप दूसरों पे इंटरेस्ट लेके ही उनका दिल जीत सकते हो। अगर आप इस तरह सोचते हो तो आप दुनिया के उन करोड़ों इंसानों से अलग हो सकते हो जो कम्युनिकेशन स्किल की इस बहुत ही पावरफुल ट्रिक को नहीं जानते। जब हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो हमारे प्रॉब्लम और टेंशन खत्म हो जाते हैं, और हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश कीजिए, और आप इस दुनिया को अलग ही नज़रिए से देख पाएंगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, ईमानदारी से सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पर्सन गलती करता है तो आप उनसे ये कहिए, मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता, अगर वो सर आपकी जगह मैं होता तो मुझसे भी ऐसी गलती हो सकती है। इस दुनिया में 75% से ज़्यादा लोग सिर्फ सिंपैथी के भूखे हैं। अगर आप उन्हें सिंपैथी देते हैं तो उनकी और आपकी एक कनेक्शन बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगी, और वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। पूरी ह्यूमैनिटी सिंपैथी चाहती है। जिस पति एक बच्चा अपने चोट दिखाता है ताकि उसे सिंपैथी मिले, कई लोग सिंपैथी पाने के लिए अपने एक्सीडेंट्स या अपने बैड एक्सपीरियंस बताते हैं जिससे उन्हें सिंपैथी मिले। सो फ्रेंड, अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताता है तो आप उनकी बात सुने, उन्हें सिंपैथी दीजिए, और बदले में वो आपको पसंद करने लगेंगे। और ज़्यादातर लोग बहुत बार आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ अपने इमोशन को शेयर करने के लिए बताते हैं। तो आप पहले दूसरों की बातों को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, फिर कोई भी रिप्लाई कीजिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, गिव पीपल सिंपैथी, लोगों को सिंपैथी दीजिए। डर सभी को लगता है,
पर जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने डर का सामना करते हैं और उसी डर को जीत के अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं और सक्सेसफुल बन जाते हैं। अगर आप किसी भी इंसान को कोई काम इस तरीके से दे जिसे करने में उसे मजा आए, उसे एडवेंचर फील हो, तो वो काम वो जरूर करेगा और टाइम से पहले ही कर लेगा। बहुत ज़्यादा लोग एडवेंचर पसंद करते हैं और चाहे वो काम बोरिंग ही क्यों ना हो, अगर आप उस काम को इस तरीके से लोगों को देते हैं कि लोगों को उस काम में मजा आए, तो वो उस काम को करने के लिए अपनी जान भी लगा देंगे। बहुत लोग अपने लाइफ में चैलेंज को पसंद करते हैं और इसी बात का आपको फायदा उठाना है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 6। सो फ्रेंड, ये हो 6 प्रिंसिपल जिनका यूज़ अगर आप करते हो तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट और फीडबैक दीजिए मुझे, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग कम्युनिकेशन स्किल को समझ पाएँ और इम्प्रूव कर पाए, और मेरे इस KS फैमिली से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और फाइनली फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। और मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मेरे इस चैनल को चेकआउट भी कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, सो उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए। ओके, बाय।